तो 12 से 13 घंटे तो हो जाते थे। पढ़ाई रूटीन वाइज मेरे लिए टाइम ओरिएंटेड से ज़्यादा पढ़ाई टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर रेगुलरली पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये है अनुष्का शर्मा, जिन्होंने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 94.44% अंक हासिल किए। अनुष्का का विषय PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स था और उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया। मेरा नाम अनुष्का शर्मा है जी। मेरे एग्रीगेट 94.4% है। PCM स्ट्रीम था मेरा एंड आई हैड सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा लाइक इंग्लिश वाज देयर, PHE एंड IP, सो दीज वर माई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। साथ में तो मैं JEE का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का प्रिपरेशन रिलेटिवली बहुत ईजी रहा। इंग्लिश के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर रेगुलरली पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। PHE इज ऑल्सो एन ईजी सब्जेक्ट, वो थोड़ी सी बायो ओरिएंटेड है तो मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, बट रेगुलर प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत रीडिंग से उसे आराम से कोप अप किया जा सकता है। अनुष्का के अनुसार पढ़ाई हमेशा टाइम नहीं बल्कि टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक दिन में 100 प्रश्नों को लक्ष्य होता है और जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता उनका पढ़ाई का समय खत्म नहीं होता। अनुष्का का कहना है कि NCERT की पुस्तकें उनके लिए बहुत उपयोगी रही और उन्होंने परीक्षा से पहले प्रतिदिन 12 से 13 घंटे सेल्फ स्टडी की। पढ़ाई रूटीन वाइज मेरे लिए टाइम ओरिएंटेड से ज़्यादा पढ़ाई टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा एक ही इंटेंशन है कि टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये नहीं कि अगर मैंने आज अगर 15 घंटे भी पढ़ाई कर ली लेकिन मेरे 100 क्वेश्चंस के टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आई विल फर्स्ट कंप्लीट दैट टारगेट ऑफ 100 क्वेश्चंस, उसके बाद ही मेरा दिन पूरा होता है। छुट्टी के दिन में इफ़ दैट्स अ संडे और कहीं नहीं जाना है तो 12 से 13 घंटे तो हो जाते थे। विशेष रूप से अनुष्का की रणनीति में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और PHE भी शामिल थे जिनमें उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। उनकी इस सफलता के पीछे उनके पिता के सपने भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। आई हैड सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा लाइक इंग्लिश वाज देयर, PHE एंड IP, सो दीज वर माय एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। पापा का रिएक्शन हमेशा की तरह न्यूट्रल होता है बिकॉज पापा का एक्सपेक्टेशन था अराउंड 95%। अनुष्का अब JEE की तैयारी के साथ साथ अपने इंजीनियरिंग बनने के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है। उनकी ये कहानी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है जो दिखाती है कि लक्ष्य निर्धारित प्रयासों से किसी भी सपनों को साकार किया जा सकता है। मैं JEE का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का प्रिपरेशन रिलेटिवली बहुत इजी रहा। इंग्लिश के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर रेगुलरली पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। PHE इज ऑल्सो एन ईजी सब्जेक्ट, वो थोड़ी सी बायो ओरिएंटेड है तो मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, बट रेगुलर प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत रीडिंग से उसे आराम से कोप अप किया जा सकता है। मेरे लिए मेरा वीक पोर्शन IP था। अनुष्का शर्मा की ये सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणास्पद है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यदि आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो अनुष्का शर्मा की यह यात्रा आपके लिए एक रोशनी की मीनार हो सकती है। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव की रिपोर्ट।